गेहूं खरीद में धांधली और मैनपुरी जनपद में भ्रष्टाचार को लेकर किसान धरने पर। गेहूं खरीद में हुई धांधली की जांच पर अड़े किसान नेता। जनपद मैनपुरी में गेहूं की खरीद में हुई धांधली को लेकर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध दुबे सैकड़ों किसानों के साथ तहसील किसने के प्रांगण में धरने पर बैठ गए हैं। जनपद में हो रही बिचौलियों की खरीद पर अंकुश लगाते हुए खरीद फरोख्त में कर्मचारियों द्वारा की गई धांधली को लेकर 10 दिन पूर्व जिला कार्यालय में पहुंचकर 10 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा था और 10 दिन के अंदर जांच करने की मांग की थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद कोई मांग व कोई जांच न होने पर आक्रोश में आकर 3 दिन पूर्व से तहसील परिसर किसने के प्रांगण में धरने पर बैठ गए हैं, जिससे जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं और किसानों की एक मांग की जांच शुरू। लेकिन बावजूद किसान धरने से उठने के लिए राजी नहीं है, जिसका जायजा लेने के लिए मीडिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर जिलाध्यक्ष से खास बातचीत की। क्या कहते हुए नजर आए भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष, देखें यह रिपोर्ट। सर, आज आप यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, किन किन मामलों को लेकर धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं और कौन सा दिन है? आज धरना प्रदर्शन का चौथा दिन है जी। हमारी मांग थी कि खरीद केंद्रों पर, सरकारी खरीद केंद्रों पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया, बिचौलियों का गेहूं खरीदा गया, तो हमने उनसे कहा इसकी जाँच कराई है। तो इसके लिए तहसील साहब सहमत हो गए हैं और उन्होंने 15 केंद्रों की सूचियां हमको उपलब्ध कराई हैं। 15 केंद्रों के लिए 30 लेखपाल और 15 हमारे यूनिट के सदस्य नियुक्त कर दिए गए हैं, वो जांच के लिए जा चुके हैं जी। हमारी मांगें कुछ माइनर के बारे में थी कि माइनरों में टूट फूट बहुत ज़्यादा है, जेसीबी से खुदाई होती है, सेट सफाई ठीक से नहीं होती है, सेट सफाई आधी अधूरी होती है, माइनरों में टेल तक पानी नहीं पहुँचता है, ये कुछ समस्याएँ हमारी थी जी। इन समस्याओं के बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई है। दूसरा, एक बीज गोदाम किसनी में है, सॉरी बीज गोदाम पे ढेंचा का बीज 55 रुपये सरकारी रेट था, उस प्रभारी ने उसको 60 रुपये बेचा। 15.09 धान था, उसकी कीमत थी 54.80 रुपये, उसको 50 रुपये किसानों को बेचा, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम लोग एक आध दिन में प्लान करके अभी हम लोग भूख हड़ताल शुरू करने वाले हैं। अच्छा, ये मांगे जो थी आपकी, कितने सूत्री मांगे थी? 10 सूत्री मांगे, 10 में केवल एक स्वीकृत हुई है जी। जब तक आपकी ये मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक क्या करेंगे आप? तब तक हम अनशन करेंगे और एक आध दिन के अंदर हम भूख हड़ताल शुरू करने वाले हैं। क्या कोई और असर पड़ रहा है अधिकारियों पर, आप जो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए? कोई खास असर नहीं पड़ रहा है, सिर्फ एसडीएम साहब से हमारी बात हुई, कंसलियों साहब भी आए थे। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, सबका साथ सबका विकास करने वाली बात करती हुई नजर आ रही है सरकार, तो क्या लगता है इस सरकार में क्या वाकई में सबका साथ सबका विकास हो रहा है? इसके लिए हम सरकार को दोष नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने तो गेहूं खरीदा है, ये लोकल लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है। जो नीचे तबके पे काम कर रहे हैं कर्मचारी, उन्होंने ऐसा काम किया? उन्होंने ऐसा किया। क्या कमीशन खोरी के चलते किया? जम के कमीशन खोरी हुई है, किसानों को परेशान किया गया, किसान अपना गेहूँ ट्रैक्टर में लेके गया जी, उनको 10 दिन तक भगाया गया, दी हुई डेट पे गेहूँ नहीं खरीदा गया, जब किसान परेशान हो गया तो उसको आकर के औने पौने दाम उसने मंडी में बेचा, दिन में मंडी में बेच दिया, रात को सरकारी खरीद के अंदर सारा गेहूँ बिक गया, और किसानों से कहा गया बारदाना ही नहीं है, बारदाना कमी का बहाना बनाया गया, किसानों को मूर्ख बनाया गया और उनको लूटा गया। केवल बिचौलियों का खरीद, बिचौलियों का जेब भरी गई, मतलब बिचौलियों के लिए बारदाना था, किसानों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं था। आपने जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा था तो क्या आश्वासन उन्होंने दिया था? जिलाधिकारी ने उसमें कुछ भी नहीं कहा, बोला हमने चिट्ठी लिख दी है, जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया होता तो हम धरने में नहीं बैठते। मैनपुरी से UP24 न्यूज के लिए देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट।